इस वक्त बंगाल के झारग्राम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। आइए आपको सीधा वहीं लेकर चलते हैं। आज मैं बहुत बड़ा सबूत पेश कर रहा हूं, शहजादा खुद बोल रहे हैं कि वो मुसलमानों को आरक्षण देंगे। यानी इन लोगों में तीन बुराइयां साफ है। एक, ये इंडिया अलायंस वाले, कांग्रेस वाले, उनके साथी पूरी तरह 100% ये कम्युनल है। ये भारत की बिन सांप्रदायिकता के संविधान के घोर विरोधी है। दूसरा, ये घोर जातिवादी है। और तीसरा, ये घोर परिवारवादी है। ये तीनों बुराइयों से भरे हुए हैं लोग। और मैं देश के मीडिया जगत को चुनौती देता हूं, बहुत बचाया इन लोगों को, जिन इको सिस्टम ने इन लोगों की रक्षा की है वो जरा कान खोल के सुन ले। आपने देश के संविधान के अपमान को देखा लेकिन आंखें बंद कर ली। ये कम्युनल लोग, जातिवादी लोग, परिवारवादी लोग मोदी का हिसाब मांग रहे। और आजकल मैं हर दिन उनका एक कच्चा चिट्ठा सबूतों के साथ खोल रहा हूं कि कितने घोर कम्युनल है, ये कितने घोर बिन सांप्रदायिकता के विरोधी है। ये 100% सांप्रदायिक लोग है। कांग्रेस मुसलमानों को आरक्षण देगी और वो भी एससी एसटी ओबीसी का आरक्षण छीन करके लूट लेंगे आपका अधिकार। 24 के इस चुनाव में मोदी ने कांग्रेस की इस मुस्लिम लीग की सोच का नकाब उतार दिया है, पर्दाफाश कर दिया है। और इसलिए ये लोग बौखलाए हुए हैं और उनकी पूरी इकोसिस्टम इससे बचने के रास्ते खोज रही है। मोदी ने आपको ऐसा पकड़ा है, देश इस चुनाव में आपको सजा देने वाला है। मैं आपसे पूछता हूं, क्या सामान्य वर्ग के लोग, एससी एसटी ओबीसी वर्ग के आप लोग इंडी गठबंधन वालों को, टीएमसी को अपना आरक्षण छीनने देंगे, अपना अधिकार छीनने देंगे? साथियों, बंगाल में आपकी आस्था पर आक्रमण करने की जिम्मेदारी टीएमसी सरकार ने ले रखी है।